कोई कहता है कि हैप्पीनेस बाहर की दुनिया में है, कोई कहता है कि हमारे अंदर है, सही बात है ना। तो अंकल कह रहे कि अंदर है, वो सही बात है। कितने लोगों को लगता है कि हैप्पीनेस हमारे अंदर है, ठीक है, और कितनों को लगता है कि बाहर है। बाहर मतलब एक शानदार बंगला हो, है ना, जुहू में हो या कहीं हो, खूब चमचमाती हुई कार हो, सुस्वादु भोजन हो, खूब पार्टी शार्टी हो, है ना, खूब भ्रमण हो दुनिया भर में, ये इससे खुशी मिलती, खूब सारी धन दौलत हो। कई लोग उसके पीछे जाते हैं, और ज़्यादातर लोग इसी दौड़ में हैं कि जितना ज़्यादा अर्न कर सकें और जितना ज़्यादा पार्टी कर सकें और जितना ज़्यादा अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, उससे खुशी मिलती है, बाहर की दुनिया की खुशी है। पर आपने ये भी देखा होगा कि कई लोगों के पास सब कुछ है लेकिन अंदर एकाकीपन है, उनको लोनलीनेस फील होती है। हम लोग यहाँ कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे कि ये सही है या गलत, वो भी ज़रूरी है, रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक्स आपके पास होनी चाहिए, सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं दो स्थिति। और जो अंकल ने कहा कि अंदर है हमारी शांति, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके अंदर शांति है, अंदर हंसी है, आप खुश हो सकते हैं। तो ये अलग अलग विचार हैं। मैं आपको जो साइंस ऑफ हैप्पीनेस है, पॉजिटिव साइकोलॉजी है, मॉडर्न साइंस है, लास्ट 40 इयर्स भी नहीं, 1999 से ही वो पूरी तरह डेवलप हुई है, लास्ट 20 इयर्स में डेवलप हुई है। तो उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ें खोजी हैं, हम उसकी बात करेंगे, नहीं तो हमको कुछ लगता है, आपको कुछ लगता है। तो उन्होंने कहा है कि जो हमारी हैप्पीनेस है ना, 50% हमारे जीन्स में है, इनबिल्ट है, हमारी बनावट या बनावट जो भी कह लें, 50% हैप्पीनेस वहाँ है। यानी हमारे दादा दादी नाना नानी जितने खुश रहते थे उतने ही हम खुश रहते हैं, माँ बाप, है ना, जितने हमारे परिवार के लोग। और अगर ये खुशी कभी बढ़ भी जाती है, जैसे कि आपकी लॉटरी निकल गई, है ना, या बहुत अच्छे नंबर लेके बच्चा पास हो गया, तो वो खुशी उस समय तक रहती, फिर एक हैप्पीनेस थर्मोस्टेट बिल्ट इन है, तो वो नीचे ले आता है। किसी की लॉटरी निकल गई तो वो 100 साल तक खुश नहीं रहेगा। जैसे हमारा बेटा जब पहली बार उसने कौन बनेगा करोड़पति देखा, तो बोला पापा 1 करोड़ आ जाए तो मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा, जीवन भर आनंद करूँगा। तो अभी मैंने उससे कहा कि आप और आपकी श्रीमती जी मिलके हर साल 1 करोड़ से तो ज़्यादा ही कमा रहे हैं, अब क्या? बोले नहीं, अभी 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, 1 करोड़ डॉलर कमाने। तो क्या है कि ये ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल के समान जो जो आप पाते जाते हैं, ये कार मिल गई है ना, बी वाली कार मिल गई, तो उसके आगे वाली में जाना है और आगे वाली में, बंगला ऐसा बना तो उसकी 1-2 मंजिल और बनानी है। तो जो हमारे अंदर बिल्ट इन चीज़ें हैं, 50% हैप्पीनेस उससे है। जो आदमी जैसा है, कैसी भी स्थिति में रहेगा, वो उतना खुश रहेगा जैसे उसके माँ बाप। और हमारे माँ बाप ऐसे समय में रहते थे, दादा दादी ये सब खुश रहते थे, तो हमको अच्छे जीन्स मिले, वी शुड बी ग्रेटफुल। 50% तो अंदर है आपके पास, है ना। 10% हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ लाइफ। आप एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कितना उससे सेटिस्फाइड हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, है ना। क्योंकि मैरिज के बारे में बहुत सारे चुटकुले हैं अपने देश में पति पत्नी के, लेकिन साइंस ये कहती है कि मैरिड पीपल आर मोर सेटिस्फाइड, दे आर हैप्पियर। पैसे के बारे में कहते हैं कि बेसिक एक लेवल तक मनी की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद एडिशनल मनी से आपकी खुशी बढ़ती नहीं। फिर ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एजुकेशन, एज, आप मेल हैं कि फीमेल हैं, किस कंट्री में रहते हैं। जैसे आप सीरिया में रहते हो या स्विट्ज़रलैंड में रहते हो, तो उससे फ़र्क होता है ना, शासन मिलिट्री का है या डेमोक्रेसी है,
कितनी बोलने की आपको आज़ादी है, ये सब चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये कंडीशंस ऑफ लाइफ जो है ना, इनको बदलना मुश्किल है। कि अगर मैं सोचूं कि आज मैं स्विट्ज़रलैंड में जाके रहने लगूं, तो बहुत मुश्किल काम है। तो पर इसमें सिर्फ 10% आपकी हैप्पीनेस डिपेंड करती है, तो उसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। हेल्थ भी इसमें आती है। जो रिमेनिंग 40% है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमारे हाथ में है। वो वॉलेंटरी एक्टिविटीज़ हैं। आप कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं? सुबह उठ के आप ध्यान करते हैं, योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जॉगिंग करने जाते हैं, वॉकिंग करने जाते हैं, कुछ शब्द कीर्तन सुनते हैं, या रात को देर तक पार्टी करते हैं, आधी रात हो जाती है, फिर सुबह उगता सूरज देख के सोते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है, और ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस तरह की लाइफस्टाइल आपको चाहिए। अगर आप सदाचार या सदाचरण का पाठ सीखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, मन में सबके प्रति प्रेम रखते हैं, तो आपका जीवन अलग दिशा में जाएगा। अगर आप दुराचारी हैं, दुर्व्यवहार करते हैं लोगों से, वैसा कोई नहीं है यहाँ, तो अलग दिशा में जाएगा। तो पर वॉलेंट्री एक्टिविटीज़, आप किसी खेल में लग जाइए, माउंटेनियरिंग में लग जाइए, और कोई भी एक पैशन रखिए, म्यूज़िक, पेंटिंग, इस तरह का, तो उससे आपकी खुशी अलग लेवल पे जाएगी। तो ये चॉइस आपके पास है, ये सबसे बड़ी चॉइस है। तो इसके अलावा भी मैं बताता हूँ, अभी तक तो हमने ये समझ लिया कि कुछ खुशी हमारे अंदर है, कुछ बाहर, और एकदम साइंटिफिक ढंग से, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। एक और चीज़ है, हंसी खुशी अंदर है, बाहर है, यहाँ तक तो सब जानते हैं। मैं एक नई चीज़ आपको बता रहा हूँ, खुशी, बहुत सारी खुशी बीच में है। मैं तो यहाँ तक इसके फेवर में कि 80% खुशी बीच में है। बीच में मतलब कहाँ पर? जैसे आप हैं और आपके परिवार के लोग हैं, आपके मित्र लोग हैं जिनसे आपको बहुत प्रेम है, तो खुशी आपके और उनके बीच में है। कल्पना करिए, आप हैं, आपके नाती पोते हैं, बच्चे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो खुशी आपके और उनके बीच में है। किसी काम को आप डूब के करते हैं, अपना जो बिजनेस है, अपना काम है, या क्रिकेट खेलते हैं, या पेंटिंग करते हैं, या माउंटेनियरिंग करते हैं, गाना गाते हैं, म्यूज़िक करते हैं, तो खुशी आपके और उस म्यूज़िक के बीच में। हैप्पीनेस लाइज बिटवीन यू एंड दैट म्यूज़िक। अगर आप जीवन से किसी बड़े संदर्भ में जुड़े हैं, ईश्वर से, स्पिरिचुअलिटी से, पर्यावरण के संरक्षण से, और ऐसे बहुत अच्छे कामों से जुड़े हुए हैं, तो आपका जीवन सबसे अच्छा माना जाता है। तो खुशी कहाँ है? आपके और आपके पर्यावरण के बीच में खुशी वहाँ है। तो ये चीज़ें हम अगर समझ लेते हैं, ये जो साइंस कहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप सभी प्रबुद्ध हैं, विचार करें और हमेशा लोगों की बात सुनें, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल करें। तो थोड़ा खुश हो लें। वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड।